वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैंपस एक्टिवेयर लिमिटेड एंड रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर लिमिटेड कंपनी के आईपीओज में कितना सब्सक्रिप्शन हो चुका है। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इन आईपीओज का ग्रे मार्केट में आज यानी कि 28 अप्रैल 2022 के दिन क्या प्रीमियम चल रहा है। मेरा नाम है शुभांश चौरसिया, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कैंपस एक्टिवेयर लिमिटेड कंपनी के आईपीओ की। देखिए, जो आईपीओ है 26 से 28 अप्रैल के बीच ओपन था। अप्लाई करने के लिए 278 से 292 रुपए के बीच इसका प्राइस बैंड रखा गया था, यानी 292 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट होगा। 51 शेयर एक लॉट में थे और रिटेल कैटेगरी के हिस्से की बात करें तो 35% का रिजर्वेशन यहां पर मिलता हुआ नजर आया था और 27 रुपए प्रति इक्विटी शेयर के हिसाब से एम्प्लॉय को डिस्काउंट भी मिला था। अब देखिए, इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन का आज तीसरा और आखिरी दिन था और तीसरे दिन तक अगर बात करें तो क्यूआईबी कैटेगरी में 152.04 टाइम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, वहीं एनआईई कैटेगरी में आईपीओ 22.25 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है। देखिए, पहले और दूसरे दिन यहां पर मामूली सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था। देखिए, जनरली इन दोनों ही कैटेगरीज में पहले और दूसरे दिन काफी कम सब्सक्रिप्शन होता है, लेकिन लास्ट यानी तीसरे दिन आप देख सकते हैं भयंकर सब्सक्रिप्शन यहां पर देखने को मिला। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, कल के दिन के 100 गुना से ऊपर यहां पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हैं 150 गुना से ज्यादा यहां पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। रिटेल कैटेगरी में बात करें तो 7.68 टाइम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। एम्प्लॉय कैटेगरी में बात करें तो 2.11 टाइम ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। ओवरऑल इसमें करीब 51.75 टाइम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। अब देखिए, यहां पर अलॉटमेंट के चांसेस की अगर बात करें तो हर 8वें व्यक्ति को ये रिटेल में अलॉट होने वाला है, यानी कि हर 8 व्यक्ति में से एक को ये आईपीओ अलॉट होगा, यानी कि यहां पर एवरेज कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है। अब देखिए, प्रीमियम की बात करें तो आज के दिन प्रीमियम करीब 90 रुपए के आसपास चल रहा है, यानी 292 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट होगा। 90 रुपए के प्रीमियम के साथ करीब 382 रुपए पर लिस्टिंग के संकेत आज के दिन ये आईपीओ देता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, यहां पर अगर परसेंटेज में बात करें तो करीब 30% के आसपास प्रीमियम मिल रहा है और कल के लिहाज से देखा जाए तो प्रीमियम में हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि कल के दिन प्रीमियम 105 रुपए के आसपास था, लेकिन शुरुआती दिनों से अगर बात करें तो प्रीमियम तीन गुना से ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि शुरुआती दिनों में यह प्रीमियम करीब 29-30 रुपए के आसपास चल रहा था और देखिए आज देख सकते हैं 90 रुपए के आसपास ये पहुंच गया है। और मेरा ऐसा मानना है, शुरू से ही मैं आपको बोल रहा हूं कि जिस तरीके से ये कंपनी है, देखिए कंपनी तो ठीक ठाक है ही, अच्छा खासा प्रॉफिट करी है, साथ ही साथ इसके साथ तो एक जो नाम जुड़ा हुआ है कैंपस, देखिए काफी बढ़िया ब्रांड है और आपने भी कभी ना कभी इस कंपनी के प्रोडक्ट जरूर यूज किए होंगे। और देखिए, फुटवेयर के मामले में अगर देखा जाए तो कंपनी के पास पूरे इंडिया का करीब 17% मार्केट है, यानी कि 17% लोग इंडिया के अंदर इस कंपनी के जूते चप्पल या फिर फुटवेयर वगैरह यूज करते हैं, तो काफी बड़ा मार्केट है इनका और काफी अच्छा ब्रांड है, तो उस लिहाज से इसमें लॉन्ग टर्म के लिए तो अप्लाई करना ही करना चाहिए। बाकी शॉर्ट टर्म में आपको एवरेज लिस्टिंग गेन यानी कि 30% से लेकर 50% के बीच में आपको लिस्टिंग गेन भी मिलता हुआ नजर आएगा, तो शॉर्ट टर्म में भी अच्छी कमाई आपकी होनी थी, तो यहां पर आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही लिहाज से अप्लाई करने की सलाह दी गई थी। नेक्स्ट अगर बात करें तो देखिए, यहां पर बात करें रेनबो चिल्ड्रंस के आईपीओ के बारे में, और देखिए ये जो आईपीओ है 27 से 29 अप्रैल के बीच ओपन है। अप्लाई करने के लिए 516 से 542 रुपए के बीच इसका प्राइस बैंड रखा गया है, यानी 542 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट होगा। 27 शेयर से एक लॉट में होंगे। रिटेल कैटेगरी के हिस्से की बात करें तो 35% का रिजर्वेशन यहां पर मिलेगा और देखिए यहां पर साइज की बात करें तो 1595 करोड़ का ये आईपीओ होता हुआ नजर आएगा। अब देखिए, इसके सब्सक्रिप्शन का दूसरा दिन था और दूसरे दिन तक अगर बात करें तो क्यूआईबी कैटेगरी में 0.10 टाइम आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। एनआईई कैटेगरी में इसमें 0.56 टाइम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। रिटेल कैटेगरी में 0.82 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ है। एम्प्लॉय कैटेगरी में 0.14 टाइम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। वहीं टोटल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 0.55 टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है। देखिए, पहले ही दिन इन दोनों कैटेगरी में ओपनिंग हो गई थी, दूसरे दिन कुछ खास सब्सक्रिप्शन देखने को मिला नहीं है। किसी भी कैटेगरी में आप देख लो, कुछ खास सब्सक्रिप्शन नहीं है। हालांकि इन दोनों ही कैटेगरीज में लास्ट यानी तीसरे दिन सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि कितना सब्सक्रिप्शन होता है, क्योंकि कमजोर थोड़ा सा ये आईपीओ लग रहा है और प्रीमियम भी इसका कम चल रहा है, जिसके कारण रिटेल और एम्प्लॉय कैटेगरी ने यहां पर बिल्कुल भी कम सब्सक्राइब यहां पर किया है।
अब यहाँ पर देखने वाली बात होगी कल यहाँ पर कितने गुना सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है, तो हमारी नज़र यहाँ पर बनी रहेगी। अब देखिए बात करें प्रीमियम की, तो आज के दिन प्रीमियम 28 रुपये के आसपास चल रहा है, यानी कि 542 रुपये में आपको एक शेयर अलॉट होगा। 28 रुपये के प्रीमियम के साथ करिए 570 रुपये पर लिस्टिंग के संकेत आज के दिन ये IPO देता हुआ नजर आ रहा है। यानी ऊपरी स्तरों से अगर बात करें तो प्रीमियम में गिरावट आई है, क्योंकि शुरुआती दिनों में भले ही इसका प्रीमियम 35 रुपये के आसपास हुआ करता था, लेकिन ये प्रीमियम 45 रुपये के आसपास गया और अभी देख सकते हैं आप ये प्रीमियम घटकर 28 रुपए के आसपास तक जाता हुआ नजर आ रहा है। एक दिन तो प्रीमियम अभी जीरो भी हो गया था, कुछ भी प्रीमियम नहीं चल रहा था, तो कुछ सस्पेंस बना हुआ है। लोगों को ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि ये डिस्काउंट पर लिस्ट हो जाए, और जिसकी आशा भी हम कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहां पर ये IPO लॉन्ग टर्म के लिए भले ही अच्छा हो, लेकिन शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग इनके लिहाज से देखा जाए तो केवल रिस्की निवेशकों को यहां पर अप्लाई करने की सलाह दी गई है। और देखिए हो सकता है यहां पर खेल भी हो जाए, क्योंकि देखिए कंपनी काफी अच्छी है, कंपनी के अगर फाइनेंशियल आप देखोगे ना तो काफी अट्रैक्टिव है। कंपनी लगातार पिछले कुछ सालों से प्रॉफिट में बनी हुई है, और अगर पिछले एक साल की बात करें तो कंपनी ने जो प्रॉफिट है वो कई गुना किया है, यानी 2 गुना के आसपास कंपनी का प्रॉफिट होता हुआ नजर आया। तो कंपनी अच्छी है, लेकिन जिस लिहाज से यह मार्केट में रिस्पॉन्स मिल रहा है और जिस हिसाब से प्रीमियम चल रहा है, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इसमें आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट जरूर हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको या तो कम लिस्टिंग गेन मिलेगा या फिर यहां पर आपको थोड़ा बहुत मुसीबत का सामना भी करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर वो लोग अप्लाई करें जो रिस्की निवेशक हैं, और यहाँ पर अप्लाई उनको करना होता है। देखिए बाहर ऐसे लोग भी होते हैं जो हर IPO अप्लाई करते हैं, प्रॉफिट मिले लॉस मिले उनको अच्छा लगता है निवेश करने में, तो ऐसे लोग इस IPO में अप्लाई करें। बहुत ज़्यादा सेफ लोग हैं कि जो केवल प्रॉफिट चाहते हैं, डबल ट्रिपल पैसा चाहते हैं, तो वो लोग कृपया इससे दूर रहें। ऐसा डबल ट्रिपल प्रॉफिट यहाँ पर नहीं मिलने वाला है, यहाँ पर या तो कम लिस्टिंग गेन या फिर एवरेज लिस्टिंग गेन मिलता हुआ नजर आ सकता है। अब देखिए यहाँ पर जो भी मैंने बताया, अपने हिसाब से बताया, अपने एनालिसिस के अनुसार बताया, अगर आप इसमें कुछ भी करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से जरूर बात करें। आई थिंक वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।